नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्त चैनल पर हर कदम आपके साथ एक नई सोच के साथ। दोस्तों 25 सितंबर 2019 कमलनाथ कैबिनेट की बैठक अहम खत्म हो चुकी है और कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिली है तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना ना भूलिए। चलिए देखते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर कमलनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नगर निगम के महापौर समेत नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के जरिए ही होगा। अभी जनता इनको चुनती है। मंत्रालय में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव किया गया है। अभी तक महापौर पद के लिए सीधे चुनाव होता है पार्षदों के जरिए, अब महापौर और अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब चुनाव से 2 महीने पहले तक परिसीमन सहित एक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वर्तमान में 6 माह का प्रावधान है। चुनाव में उम्मीदवार के गलत जानकारी देने पर 6 माह की जेल और ₹50,000 जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अब पार्षद करेंगे एवं पत्रकार बीमा प्रीमियम में पत्रकारों के लिए पिछले वर्ष बराबर प्रीमियम रहेगा। बढ़ा हुआ प्रीमियम पत्रकारों को नहीं देना होगा। बैठक में खनिज पदार्थों पर परिवहन अनुज्ञा पत्र के शुल्क में वृद्धि की गई है। वहीं उद्योगों को सस्ती बिजली देने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी मध्य प्रदेश के नागरिक साथियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आपका दोस्त चैनल से जुड़े सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।